हर किस्म के फ्री लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन। आज हमारा सॉफ्टवेयर है इम्पेज। इम्पेज किस लिए यूज़ किया जाता है? इम्पेज यूज़ किया जाता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर के लिए। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आप उर्दू टाइपिंग कर सकते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह बना सकते हैं, आर्टिकल वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह बना सकते हैं, और इसके अंदर आप उर्दू के नोट्स वगैरह भी टाइप कर सकते हैं। अब आपके पास इम्पेज का जो भी सॉफ्टवेयर का जो भी वर्जन अवेलेबल हो, आप ये इंस्टॉल हो, आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। सब में काम सेम होता है, बस कुछ ऑप्शन चेंज होते हैं। जैसे हमारे पास जो है वो आपको सामने डेस्कटॉप पे नज़र आ रहा होगा, इम्पेज 2009 है। हम ये यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा आसान होता है यूज़ करने में और इससे आपको इजीली चीज़ें पता चल जाएंगी। बाकी अपनी मर्ज़ी से कोई भी वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे इम्पेज सॉफ्टवेयर के ऊपर, इसे इस तरह से ओपन करेंगे। यहाँ पे आपके पास इम्पेज की वार्निंग आई, इसे ओके कर देंगे आप। इस तरह से आपके पास ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। हमने नया काम करना है तो इसके लिए हमें नया पेज लेना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से फाइल मेन्यू में जाएंगे। फाइल मेन्यू में जाने के बाद यहाँ से आप न्यू सेलेक्ट कर लेंगे, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। इनमें आप सेटिंग कर लेंगे, जिस तरह का भी पेज आपको चाहिए, वे देन हाइट, ओरिएंटेशन, मार्जिन, कॉलम सेट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ से ओके कर देंगे तो आपके पास इस तरह से उसी सेटिंग के थ्रू पेज आ जाएगा। अब ज़रूरी नहीं आप इन पेज के अंदर सिर्फ उर्दू टाइपिंग कर सकें, आप इसके अंदर इंग्लिश, बाकी और लैंग्वेजेस भी लिख सकते हैं, उसके साथ इंग्लिश टाइपिंग भी कर सकते हैं। तो हमें उर्दू टाइपिंग का कीबोर्ड सेलेक्ट करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, एडिट मेन्यू में जाएंगे, प्रेफरेंस में आएंगे, कीबोर्ड प्रेफरेंस में आएंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे फोनेटिक, ठीक है, और यहाँ से हम ओके कर देंगे तो हमारा वो जो उर्दू कीबोर्ड है वो एक्टिव हो जाएगा यहाँ पर। आज हमारा इन पेज में लेक्चर नंबर 7 है और लेक्चर का नाम है डिज़ाइन एंड इंसर्ट पिक्चर इन इन पेज। किस तरह से इन पेज के अंदर पिक्चर इंसर्ट करते हैं और उनको डिज़ाइन कैसे करते हैं, आज हम वो सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद उसे ड्रा कर देंगे, अपनी हेडिंग को डिज़ाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। टाइप करने के बाद यहाँ से कोई भी फॉन्ट स्टाइल ले लेंगे, यहाँ से कोई भी इसका कलर सिलेक्ट कर लेंगे, बोल्ड करना है बोल्ड कर देंगे, साइज सिलेक्ट कर लेंगे, अलाइनमेंट सेट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एरो टूल लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम डिज़ाइन कर देंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, यहाँ से कोई भी कलर्स वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे, आउटलाइन का फिल कलर, आउटलाइन का कोई भी स्टाइल ले लेंगे। यहाँ से आप उसको विड्थ को इंक्रीज कर देंगे तो उस स्टाइल में आपके पास यहाँ पर हेडिंग डिज़ाइन होकर आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, इन पेज के अंदर पिक्चर को इंसर्ट करना है। तो पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पर, आपको याद होगा आपको जब इंट्रोडक्शन दिए गए थे टूल्स के, तो उसके अंदर आपको यहाँ पे पिक्चर टूल्स के बारे में बताया गया था। सबसे पहले आपको ये नज़र आ रहा है कि बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर क्रॉस बना हुआ है, एक आता है रेक्टेंगल पिक्चर बॉक्स टूल, इसे सेलेक्ट करके हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी में जाकर आप कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप ओपन कर देंगे तो आपकी पिक्चर इसके अंदर आ जाएगी। अब देखिए जैसे ही आप पिक्चर इंसर्ट करेंगे, अब टेक्स्ट जो इसका बॉक्स का जो है साइज़ वो बड़ा है और पिक्चर का साइज़ छोटा है, तो हमने इसे क्या करना है, बॉक्स के अंदर एडजस्ट करना है। तो हम जैसे ही पिक्चर इंसर्ट करेंगे तो यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएगी। अब ये कहलाता है फ्लिप, अगर आप अपनी पिक्चर को किसी भी तरह किसी भी एंगल में फ्लिप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अपनी पिक्चर को कोई रोटेशन करना चाहते हैं, एंगल रोटेट करना चाहते हैं, वो यहाँ से आप एंगल रोटेट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से हैंड की मदद से क्लिक करके, माउस से लेफ्ट क्लिक करके अपनी पिक्चर को सेट कर सकते हैं। अगर आप अपनी पिक्चर को ब्राइट करना चाहते हैं तो यहाँ से ब्राइट कर दें तो और ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी, ठीक है, ये ब्राइटनेस कहलाती है। डार्क करना चाहते हैं तो यहाँ से डार्कनेस सेट कर दें तो जो हिस्से ज़्यादा लाइट हैं वो लाइट हो जाएंगे, जो डार्क हैं वो डार्क और डार्क हो जाएंगे, ठीक है। तो लाइटनेस ब्राइटनेस सेट कर देंगे।
उसके बाद यहाँ से अपनी पिक्चर की विड्थ एंड हाइट सेट कर देंगे। और इस तरह से इसे बॉक्स के अंदर सेट कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये भी पिक्चर की विड्थ एंड हाइट है, आप यहाँ से नहीं कर सकते तो यहाँ से आप सेट कर लें, लेकिन अगर आप यहाँ से विड्थ एंड हाइट सेट करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेट हो रही होगी। अब हमने क्या करना है, पिक्चर का बॉर्डर डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, एरो टूल सेलेक्ट करेंगे और पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे। एरो टूल सेलेक्ट करने के बाद जब आप पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर वही जो आपने टेक्स्ट बॉक्स की मतलब जो प्रॉपर्टीज ओपन हुई थी वही प्रॉपर्टीज इस मरतबा भी ओपन हो जाएंगी। यहाँ से आप कोई भी इसका आउटलाइन कलर ले लें, फिल कलर ले लें, आउटलाइन को स्टाइल दे दें कोई भी, और आउटलाइन को थोड़ा सा बढ़ा दें। इस तरह से तो आपकी पिक्चर क्या हो जाएगी, डिजाइन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, साइड पे क्लिक करना है। इसी तरह हम बाकी जो दो शेप्स रह जाएंगी हमारी, एक कहलाती है एलिप्टिकल पिक्चर बॉक्स टूल, इसको सेलेक्ट करके इसको भी ड्रॉ करके इसके साथ भी यही काम कर लेंगे, सिर्फ पिक्चर चेंज है बाकी सारा काम सेम है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से इसकी भी सेटिंग वगैरह कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से एरो टूल सेलेक्ट करेंगे, इसकी भी आउटलाइन सेलेक्ट करेंगे और इसको भी डिज़ाइन कर लेंगे। ठीक है, फिर साइड पे क्लिक करेंगे। लास्ट हमारी शेप जो है ये राउंडेड रेक्टेंगल पिक्चर बॉक्स टूल कहलाते हैं, इसको भी सिलेक्ट करके इसको भी ड्रॉ कर लेंगे। इस पर भी डबल क्लिक करके कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे, इसकी भी हम सेटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से दोबारा एरो टूल लेंगे और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसकी भी हम यहाँ से सेटिंग कर लेंगे। इस तरह से आप इस तरह से इसे भी डिजाइन कर लेंगे। इस तरह से आप इन पेज के अंदर अपनी पिक्चर को इंसर्ट करके उनके बॉर्डर्स वगैरह और उनको एडिट करके सेट कर सकते हैं जिस तरह की शेप में चाहिए। आपके पास 3 शेप्स अवेलेबल हैं, इन पे आप काम कर सकते हैं। तो आपका आज का लेक्चर हाउ टू इंसर्ट एंड डिज़ाइन पिक्चर इन इन पेज कम्प्लीट हो गया। आप इसे नोट डाउन करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मज़ीद फ्री लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन।